यह फोन बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, तो हमने कहा कि भैया ब्लास्ट ब्लूस्ट ना हो जाए, लॉन्च से पहले ही बवाल ना हो जाए। हेलो दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल द गीकी मॉम में। गाइस, हम लोग लेकर के आए थे Realme GT Neo 3 की अनबॉक्सिंग। बहुत ज्यादा प्यार मिला आप लोग से उस पर्टिकुलर वीडियो पे। उसके बाद हम लोग लेकर के आए Realme GT Neo 2 के साथ में उसका एक स्पीड टेस्ट, उसमें भी आप लोग का बहुत ज्यादा प्यार मिला। लेकिन एक कमेंट जो बार बार आ रहे थे कि भाई इसका चार्जिंग टेस्ट डिटेल में और साथ ही साथ में इसका हीट टेस्ट डिटेल में लेकर के आइए, बिकॉज काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी है लोगों के दिमाग में कि डायमेंसिटी 8100 वाला प्रोसेसर है ना जो नया आया है, और वो एक्चुअल में हीट करता है कि नहीं। बिकॉज यहाँ पे जो मीडिया की ना एक बैड रैपो बनी हुई है कि भाई मीडियाटेक के प्रोसेसर थोड़े से हीट होते हैं। तो चलिए फाइंड आउट करेंगे इसी पर्टिकुलर वीडियो में। और हाँ, ये वीडियो मिस अगर कर दी तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे Realme GT Neo 3 के बारे में। तो डेफिनेटली दिस वीडियो विल ओपन योर माइंड्स एंड many things. तो चलिए गाइस, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द Realme GT Neo 3 चार्जिंग एंड हीट टेस्ट। तो भी गाइस, सबसे पहले भाई हम लोग ने यहाँ पे किया चार्जिंग टेस्ट। चार्जिंग टेस्ट देखिए, अगर मैं यहाँ पे कोई एक्सटेंशन लगाता ना, तो उसमें आप लोग कहते हैं भाई एक्सटेंशन पे बहुत सारी चीजें लगी हैं, या एक्सटेंशन पे ना जो करके डायरेक्टली प्लग में करिए। इसलिए हमने भैया ये सब झंझट रखी नहीं, डायरेक्टली मैंने यहाँ पे बोर्ड पे यहाँ पे मैंने लगाया चार्जर इसका, और चार्जर मैंने लगाया इसके ऊपर। मैंने यहाँ पे यूज किया है वॉट मीटर। हम ये भी आपको दिखाएंगे कि ये कितने स्पीड के साथ में, जैसे 150 वॉट का ये चार्जर आता है ना, तो ये 150 वॉट पे कितने समय तक की और कितनी बैटरी लाइफ तक की या फिर कितने टेम्परेचर तक की ये 150 वॉट पे चार्ज करता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 5:53 हो रहे थे, ये फोन फुल तरीके से यहाँ पे स्विच ऑफ था और हमने इसको लगाया चार्जिंग में। उसके बाद गई यहाँ पे केवल 10-15 सेकंड में ये फोन स्विच ऑन हो गया चार्जिंग में लगाते ही। और उसके बाद हमें 5:54 पे, यानी ठीक 1 मिनट के बाद में, हमने यहाँ पे देखा कि ये 150 वॉट की स्पीड के साथ में ये चार्ज होना स्टार्ट हो गया और 5% बैटरी आ चुकी थी केवल 1 मिनट के अंदर। उसके बाद गाइस यहाँ पे हमने देखा दोबारा से, जब 2 मिनट बीत गए, 5:55 हुए, तब ये 11% तक की चार्ज हो चुका था। एक चीज गाइस, चार्जिंग टेस्ट तो देखिए पूरा, लेकिन गाइस यहाँ पे मैंने हीट टेस्ट भी किया है। और ये डिवाइस भाई डायमेंसिटी 8100 वाला हीट होता है, बहुत तगड़ा हीट होता है, तो वो भाई मिस मत करिएगा। चार्जिंग टेस्ट देखिए, उसके बाद हीट टेस्ट की तरफ लेकर के मैं चलूंगा। इसके बाद गाइस यहाँ पे कंपनियां क्लेम करती हैं कि 5 मिनट में ये यहाँ पे 50% तक की चार्ज कर सकती है, कितने भी परसेंट पे ये फोन हो, जैसे 1% है तो ये 51% चार्ज कर देगी 5 मिनट में। लेकिन यहाँ पे हमारा फोन फुली डेड था और हमने उसमें देखा कि भाई यहाँ पे 5 मिनट के बाद में 43% यहाँ पे चार्ज होता है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारा जो रूम का टेम्परेचर था वो था भाई 30 डिग्री तक की, और हमने यहाँ पे एसी ऑन करके रखा था, लेकिन जो हमारा फोन था ना वो भाई फ्रंट से 47 डिग्री तक की सेल्सियस पे पहुंच चुका था। एक चीज हमने देखी कि 5 मिनट के बाद जब 47 डिग्री तक की टेम्परेचर पहुंचा तो चार्जिंग स्पीड हो गई थी कम, और यहाँ पे 150 वॉट की जगह यहाँ पे केवल 55 वॉट की स्पीड के साथ में ये फोन को चार्ज कर रहा था। तो मैंने कहा चलो देखते हैं कि भाई ये फुल कितने मिनट में चार्ज करता है। और आपको एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जैसे ही यहाँ पे 7 मिनट बीतते हैं, करेक्ट 6 बजे, हमने यहाँ पे देखा कि 53% तक की ये चार्ज हो चुका था, और यहाँ पे जो टेम्परेचर था फोन का वो गया था घट 45 डिग्री। यानी कि जैसे ही चार्जिंग स्पीड 150 वॉट से घट करके 55 वॉट हुई तो थोड़ा सा यहाँ पे टेम्परेचर घटा। लेकिन गाइस अब हमें यहाँ पे देखना था कि भाई फुल चार्ज कब होता है, तो भाई यहाँ पे 6:08 यानी कि टोटल 15 मिनट के बाद में ये भाई 0-100% चार्ज हो चुका था। जी हाँ, कितने भी इसकी टेम्परेचर जाए, लेकिन यहाँ पे 15 मिनट में इसने यहाँ पे चार्ज कर जो दिया था। और आपको एक चीज और मैं यहाँ पे ना बता दूं कि यहाँ पे हमारा लास्ट के समय में 43 वॉट की चार्जिंग के स्पीड पे ये चार्ज हो रहा था, तो ये भी काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। तो 15 मिनट में 0-100% नॉट बैड गाइस। और ये जो कंपनी क्लेम करती है भाई कितने भी परसेंट पे रहे ये 50% ये यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं केवल 5 मिनट में, तो डेफिनेटली ये करेक्ट हो सकता है। लेकिन एक चीज है भाई, यहाँ पे मैंने एक चीज नोटिस करी कि जो इसका टेम्परेचर था वो बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ता जा रहा था। तो गाइस यहाँ पे ये वीडियो लेकर के आने में भाई मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगी है यार, और आप लोग चैनल जाकर के देखिए यार, इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस बना रहा हूँ, आप लोग खुद ही जो कमेंट करते हैं, लेकिन यार व्यूज नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि आप लोग यार यहाँ पे सपोर्ट नहीं करते। प्लीज भाई वीडियो यहाँ तक ही देखिए, तो लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करिए कि भाई आपका क्या मानना है ये Realme GT Neo 3 के बारे में या इसके प्रोसेसर के बारे में। तो फिर गाइस चार्जिंग टेस्ट तो हो गया, लेकिन अब मैंने आपसे बात की थी हीट टेस्ट के बारे में। तो हीट टेस्ट की सबसे पहली यहाँ पे शुरुआत करते हैं। मैंने सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट किया, यहाँ पर भी हमारा एसी ऑन था, और सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट के हिसाब से हमारा रूम का टेम्परेचर भाई 24 डिग्री के आसपास में था, और सीपीयू थ्रॉटलिंग करते वक्त यहाँ पे जो टेम्परेचर गया था वो 46 डिग्री तक ही गया था। लेकिन सीपीयू थ्रॉटलिंग में 46 डिग्री तक की इसका सीपीयू गर्म होने के बावजूद भी यहाँ पे कोई थ्रॉटलिंग देखने को मिली नहीं, 88% तक की परफॉर्मेंस इसने अचीव करी, दैट वाज एक्चुअली ऑसम। लेकिन इसके बाद हमने कहा कि चलो भैया बीजीएमआई खेलते हैं। तो बीजीएमआई गई, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं हमारा एसी तब से ऑन ही था, तो हमने यहाँ पे जब बीजीएमआई हम जब खेल रहे थे उस समय हमारा एसी जब ऑन था, और जो गाइस हमारा
रूम का टेम्परेचर था वो था 26 डिग्री के आसपास में, हमने एसी को 16 डिग्री पे हमने यहाँ पे सेट किया हुआ था, तो भाई हमारा जो टेम्परेचर था फोन का वो भाई 39 डिग्री के आसपास में था। तो मैं बहुत सेटिस्फाइड था कि चलो भाई बीजीएमआई खेल रहे हैं, आराम से ठंडा है। लेकिन मैंने कहा कि चलो एक बार एसी ऑफ करते हैं। एसी जैसे ही मैंने यहाँ पे ऑफ किया है, और मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे केवल फैन ऑन था और रूम फिर भी बहुत ज्यादा गर्म नहीं हुआ था, तो यहाँ पे जो रूम का टेम्परेचर था वो था 30 डिग्री और हमारा फोन का टेम्परेचर पहुंच गया था 47.7 डिग्री। तो आप सोच सकते हैं कितना जल्दी यहाँ पे हीटअप होगा। और भाई एसी जब ऑफ करते ना तो तुरंत इतनी जल्दी यहाँ पे गर्मी बढ़ती नहीं है रूम में, तो यहाँ पे 30 डिग्री तक की हमारा रूम की वॉल्स की टेम्परेचर था, तो वो कोई खराब नहीं था। लेकिन गाइस इसके बाद एक चीज हुई जो जिससे मुझे बहुत ज्यादा शॉक लगा, वो गाइस ये थी कि ये सब टेस्ट वगैरह करने के बाद में हमने काफी समय के बाद में जब फोन एकदम ठंडा हो चुका था शाम के वक्त में, हमने कहा कि चलो एक आउटडोर में थोड़ा बहुत कैमरा टेस्ट कर लेते हैं, बिकॉज अनबॉक्सिंग वीडियो में आपको कैमरा टेस्ट वगैरह दिखाना था। तो हमने कुछ सैंपल्स लिए थे फोटोज के, मुश्किल से 5-6 मिनट की हमने फोटो वगैरह खींची थी। उसके बाद हम आ गए थे वीडियो रिकॉर्डिंग पे, और वीडियो रिकॉर्डिंग पे मैं एक मैक्रो शॉट ले आ रहा था जहां पे मैंने फ्लैशलाइट ऑन करी थी। मैंने फील किया कि भाई फोन बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, मैंने तुरंत वहां पे भाई यहां पे टेम्परेचर गन मैंने मंगवाई और 1080p की वीडियो हम लोग यहां पे रिकॉर्ड कर रहे थे, और 1080p की वीडियो जहां पे फ्लैशलाइट ऑन थी और यहां पे कोई बहुत ज्यादा धूप में भी नहीं, हम यहां खड़े थे छाई में ही थे, और केवल 1 मिनट के अंदर आप देखेंगे कि भाई जो टेम्परेचर था ना वो 55 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक की वो पहुंच गया था, और भाई उसके ऊपर भी वो कंटिन्यूअस जा रहा था, बल्कि फोन पे वार्निंग आने लगी थी कि भैया फोन बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है। तो हमने कहा कि भैया ब्लास्ट ब्लूस ना हो जाए, लॉन्च से पहले ही बवाल ना हो जाए, तो हमने कहा कि इसको करते हैं बंद। लेकिन गाइस यही था कि भाई गर्म हो रहा है फोन, गर्म हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। तो भाई रियलमी इस चीज का थोड़ा सा संज्ञान लीजिएगा, संज्ञान मतलब नोटिस करिएगा इसको, और कुछ करने की कोशिश करिएगा भाई इतना ज्यादा टेम्परेचर ना जाए, बिकॉज यहाँ पे इंडियन टेम्परेचर्स में तो भाई इतना ज्यादा हीट होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो गाइस यही था भाई मेरा एक्सपीरियंस इनकी हीटिंग और चार्जिंग को लेकर के, बहुत सारे लोगों ने बोली थी तो आपके डिमांड पे केवल लेकर के आया। आप लोगों से चाहिए प्यार इसी पर्टिकुलर वीडियो पे, और रियलमी तक की पहुंचाइए, यहाँ पे शेयर करिए, यहाँ पे ट्वीट करिए, यहाँ पे फेसबुक इंस्टाग्राम सब जगह शेयर करिए, और टैग करिए रियलमी इंडिया को, ताकि उनको भी पता चले कि उनके फोन में प्रॉब्लम कहाँ पे है।